मेरी कहानी मेरी जुबानी, मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते रहिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट सुजेर खान। हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल जो कि हमारा चल रहा है, लॉकडाउन स्पेशल एपिसोड नंबर 11 में आज हम बुला रहे हैं इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल अग्निहोत्री। तो गरिमा जी, हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। तो गरिमा जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो आप एक एक्ट्रेस हैं, हमेशा कैमरे के सामने रहती हैं, अचानक से सब कुछ बंद हो गया है, तो आप घर में रह के अपना वक्त कैसे काट रही हैं, हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच सुजय जी। तो लॉकडाउन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, सबसे पहली बात जो मैंने सोची थी वो ये सोचा था कि कोई बात नहीं, अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सोल्यूशन लॉकडाउन है और हम सबको फॉलो करना ही है। मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली का एक टाइम शेड्यूल बनाया, क्योंकि अभी मेरे लिए काम बहुत बढ़ गया था, घर का पूरा काम हो गया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब मेड्स को सर्वेंट्स को छुट्टी देनी पड़ी। सेकंड, अपना जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड वर्क है वो हो गया, मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रही हूं। और थर्ड, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी चेन ऑफ स्कूल्स को भी लुक आफ्टर करती हूँ। एम इंटरनेशनल अकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो थ्री कैटेगरीज में मेरे लिए वर्क डिवाइड हो गया। तो अगर मैं प्लान नहीं करती, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, तो बहुत मुश्किल हो जाता इस लॉकडाउन में सब कुछ मैनेज कर पाना। और मेरे जो बच्चे हैं वो पूरा हाउस क्लीनिंग एंड जो भी और घर के काम होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। देन मैंने इवनिंग में कुछ टाइम डिसाइड किया कि ये मैं अपना फिल्म इंडस्ट्री के लिए रखूंगी, और इवनिंग के 3 आवर्स हम लोगों ने अपने स्कूल के डिसाइड किए, क्योंकि सारा स्कूल का जो वर्क है वो ऑनलाइन होमवर्क पर शिफ्ट हो गया, तो उसमें भी हम लोगों को 3-4 आवर्स लग जाते हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि लॉकडाउन का टाइम तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लॉकडाउन है, घर के अंदर रहते हुए भी 24/7 वी आर बिजी। तो मैं आपके चैनल के जरिए बस यही कहना चाहती हूँ, सभी से अपील करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन को 100% फॉलो कीजिए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत पॉजिटिव रहें। गरिमा जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद हो गया है, इंडस्ट्री का भी काम सारा बंद पड़ा है, आप भी अपने घर पर हैं, मैं भी अपने घर पर हूँ, तमाम टेक्निकल और इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपने घर पर हैं, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, ये ज़िंदगी जो हमारी तहस नहस हो चुकी है, इसे दोबारा पटरी पे आने में, इंडस्ट्री को डेवलप होने में या सारी चीज़ें सही होने में कितना समय लगेगा, आपकी इसमें क्या राय है? जी हाँ सुजैल जी, ये मुश्किल की घड़ी तो है, इंडस्ट्री बंद है, सारे काम बंद हैं, और अभी कह नहीं सकते कि कब तक ये लॉकडाउन रहेगा और कब वापस सब कुछ वैसा होगा जैसा कि नॉर्मल लाइफ में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये लॉकडाउन ओपन होगा, तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो लाइनअप होने का जो समय लगेगा, बस वही लगेगा, क्योंकि वी आर एक्टर्स और हम लोग तो तैयार हैं, वी ऑल आर वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ओपन हो और हम कैमरे के सामने जाएं। जैसे कि आपके चैनल का ही ये बहुत अच्छा एफर्ट है कि आप इस तरह से ये स्टोरीज शूट कर रहे हैं, तो हर एक्टर कहीं ना कहीं बिजी है। मैं अगर अपनी बात करूंगी तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने मेरा खुद का लाइव इंटरव्यू किया कि हम लोग खुद भी पॉजिटिव रहें और सबको मोटिवेट करते रहें पॉजिटिव रहने के लिए। तो जैसा कि आपका सवाल है कि इंडस्ट्री को ओपन होने में कितना समय लग जाएगा, तो मुझे लगता है इंतजार इंडस्ट्री के ओपन होने का नहीं, कोरोना के खत्म होने का और लॉकडाउन ओपन होने का है। हम सब तैयार हैं, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और सरकार ये बोल देती है कि वापस सब कुछ खुल सकता है, काम शुरू हो सकता है, तो हम लोग तैयार हैं, सब एक्टर्स तैयार हैं, सारी टीम तैयार है, तो वापस जल्दी से जल्दी हम लोग शूटिंग पर मिलने वाले हैं अपने पूरे उसी जोश के साथ में। तो गरिमा जी, मेरा आपसे अंतिम आखिरी सवाल ये है, ये जो कोरोना वायरस, जो महामारी है, ये एक भयानक बीमारी है जो कि चीन से आई है,
ऐसा सोशल साइट, सोशल मीडिया मीडिया ऐसी बहुत जगह पर सुनाई भी पड़ रहा है और दिखाई भी लोग दे रहे हैं बोलते हुए कि ये जो बीमारी है चीन से आई है। चीन ने जानबूझ के इस बीमारी को छुपाया और हिंदुस्तान और बाकी सारे देशों से इस चीज़ को छुपाया, तो क्या चीन का इसमें हाथ है? आपकी इसमें क्या राय है? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इतना समय घर में मिल रहा है और मैं टीवी चैनल्स देखती हूँ, न्यूज फॉलो करती हूँ, तो न्यूज पर टाइम टू टाइम ये न्यूज टेलीकास्ट हो रही है कि इस सब कुछ में चीन का हाथ है, तो लगता है कि शायद चीन ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन अभी तक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा 100% डैम श्योर प्रूफ नहीं दिया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि अगर ये बात प्रूव होती है कि ऐसा कुछ किया गया है जिसकी वजह से देश ही नहीं सारी दुनिया में इतना प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने लोगों की जान जा रही है और लॉकडाउन है, सबके काम बंद हैं, इतनी मुसीबतें आ रही हैं, तो बहुत गलत किया है। क्योंकि किसी भी समाज, धर्म, देश, दुनिया सब चीजों से ऊपर सिर्फ और सिर्फ मानवता है, इंसानियत है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये मानवता के साथ छेड़छाड़ की है, मानवता के साथ नाइंसाफी की है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, हमें ये याद होना चाहिए। तो बस यही कह सकती हूँ सुजय जी, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा भगवान ही दे सकते हैं। दैट्स ऑल। हाँ तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी को दिया और हम और हमारे दर्शकों से बहुत सारी बातें शेयर की। तो दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आसपास का माहौल साफ रखिए, कोरोना से लड़ते रहिए और इसको लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहिए और अपने आप को घर के अंदर सुरक्षित रखिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। जब तक लॉकडाउन है तो उसको फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए। लॉकडाउन को हराना है तो हमको अपने घर में रह जाना है। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, नमस्कार।